गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स एम ई दो सो तीन इंजीनियरिंग मटेरियल एंड प्रोसेस ये जो सब्जेक्ट है इसमें हम आज इंजीनियरिंग मटेरियल सबसे पहले हम इंजीनियरिंग मटेरियल के बारे में क्या करेंगे स्टडी करेंगे तो इसका जो फर्स्ट पार्ट है इंजीनियरिंग मटेरियल तो एम ई दो सो तीन में दो पार्ट है एक तो इंजीनियरिंग मटेरियल और दूसरा प्रोसेस तो हम सबसे पहले इंजीनियरिंग मटेरियल फर्स्ट पार्ट है उसके बारे में क्या करेंगे स्टडी करेंगे तो इसमें जो फर्स्ट टॉपिक है दैट इज द क्लासिफिकेशन ऑफ इंजीनियरिंग मटेरियल्स दिस इज द फर्स्ट टॉपिक तो जैसा कि हम जानते हैं जो मटेरियल्स होते हैं वो कितने टाइप के होते हैं टू टाइप्स के होते हैं एक मेटल्स दूसरा नॉन मेटल्स तो इंजिंग मटेरियल बेसिकली टू टाइप के होते हैं एक मेटल्स और दूसरा नॉन मेटल्स मेटल्स के अगर हम एग्जाम्पल की बात करें तो आयरन स्टील एल्यूमिनियम कॉपर गोल्ड सिल्वर निकल ये सभी क्या है मेटल्स हैं जो कि हम डेली रूटीन लाइफ में सब जानते हैं कि आयरन क्या होता है स्टील क्या होता है एल्यूमिनियम गोल्ड गोल्ड सिल्वर निकल ये सभी हम लोगों ने क्या देख रखे हैं ये सब क्या है मेटल्स हैं दूसरा नॉन मेटल्स नॉन मेटल्स की बात करें तो कौन कौन से नॉन मेटल्स होते हैं सैरामिक्स ग्लास प्लास्टिक रबर टिम्बर डायमंड ये सब क्या कहलाते हैं नॉन मेटल्स कहलाते हैं तो इंजिन मटेरियल्स टू टाइप के होते हैं बेसिकली मेटल्स और नॉन मेटल्स तो इनके एग्जांपल हमने क्या कर दिया पुट कर दिए बता दिए इसका आगे और क्लासिफिकेशन करा जाए अगर तो मेटल्स जो होते हैं वो टू टाइप्स के होते हैं एक फेरस दूसरा नॉन फेरस दो तरह के हो गए मेटल्स एक फेरस दूसरा नॉन फेरस जो फेरस होता है फेरस टाइप के जो मेटल्स होते हैं उसमें आयरन क्या होता है मेन कॉन्स्टिट्यूट जो आयरन होता है लोहा मेन कॉन्स्टिट्यूट उसके अंदर क्या होता है आयरन होता है जबकि जो नॉन फेरस होते हैं उसमें क्या होता है आयरन इज नॉट एज अ मेन कॉन्स्टिट्यूट उसमें आयरन मेन कॉन्स्टिट्यूट नहीं होता तो जो फेरस होगा उसमें तो आयरन मेन कॉन्स्टिट्यूट होगा और जो नॉन फेरस होगा उसमें आयरन मेन कॉन्स्टिट्यूट नहीं होगा क्लियर अब अगर हम इसको और आगे क्लासिफाइड करें तो जो फेरस टाइप का जो मेटल्स है वो तीन टाइप के होते हैं एक कास्ट आयरन रोट आयरन और स्टील तो जो फेरस टाइप का जो मेटल्स है उसको हमने तीन भागों में डिवाइड किया है कास्ट आयरन रोट आयरन और स्टील कास्ट आयरन डिफरेंट टाइप के होते हैं कास्ट आयरन डिफरेंट टाइप के होते हैं फर्स्ट वन इज द ग्रे कास्ट आयरन सेकेंड वन इज द व्हाइट कास्ट आयरन थर्ड वन इज द मेलेबल कास्ट आयरन एंड फोर्थ वन इज द नोडुलर और डकटाइल टाइप कास्ट आयरन तो ये कास्ट आयरन के डिफरेंट के टाइप्स है इसी तरह से अनोदर जो फेरस का जो टाइप है दैट इज द रॉट आयरन एंड थर्ड वन इज द स्टील स्टील डिफरेंट टाइप की होती है लो कार्बन स्टील मीडियम कार्बन स्टील हाई कार्बन स्टील एंड अलो स्टील तो फेरस जो अपने पास में मेटल है उसको तीन भागों में डिवाइड किया गया कास्ट आयरन डॉट आयरन और स्टील एंड फर्दर कास्ट आयरन को डिवाइड किया गया ग्रे कास्ट आयरन व्हाइट कास्ट आयरन मेलेबल कास्ट आयरन और नोडल और डक्टाइल कास्ट आयरन इसी तरह स्टील को डिवाइड किया गया लो कार्बन स्टील मीडियम कार्बन स्टील हाई कार्बन स्टील और आलो है तो ये तो हो गया फेरस टाइप का जो मेटल उनका क्लासिफिकेशन इसी तरह से जो नॉन फेरस है उसको जो हमने क्लासीफाइड किया गया है ये नॉन फेरस है वो कितने टाइप के होते हैं अगर इसका एग्जाम्पल बात करें तो एलुमिनियम कॉपर जिंक लीड टिन और गोल्ड ये सब क्या कहलाते हैं नॉन फेरस टाइप के मेटल्स कहलाते हैं तो ये ब्रॉड एक टाइप का क्या कर दिया हमने इंजीनियरिंग मटेरियल का क्या कर दिया एक क्लासिफिकेशन कर दिया अब वन बाय वन हम उसके बारे में क्या करते हैं और स्टडी करते हैं तो अगर हम सबसे पहले मेटल्स की प्रॉपर्टी के बारे में स्टडी करें तो हम पाएंगे कि दे आर मोस्टली ओपेक हार्ड हैवी एंड डक्टाइल तो जो मेटल्स होते हैं जिसे हम जानते हैं जनरली वो हो क्या होते हैं हार्ड होते हैं हैंवी होते हैं और डक्टाइल टाइप के होते हैं ये इनकी प्रॉपर्टीज़ हैं दूसरा जो मेन प्रॉपर्टीज है इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज दैट इज द दे आर गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी तो ये जो हीट और इलेक्ट्रिसिटी के क्या होते हैं गुड कंडक्टर होते हैं मेटल्स थर्ड पॉइंट अलॉयज आर ऑप्टेन बाय मिक्सिंग और मेल्टिंग टू और मोर मेटल्स इन ऑर्डर टू इम्प्रूव द प्रॉपर्टीज ऑफ मटेरियल अगर दो या दो से ज्यादा हम मेटल्स को मिलाते हैं तो हमारा क्या होता है अलोय तैयार होता है उससे हम अलोए क्यों तैयार करते हैं जिससे कि मेटल्स की प्रॉपर्टी क्या हो जाए इंप्रूव हो जाए तो दीज आर द्री मेन बेस्ट करेक्टरिस्टिक्स और इंपॉर्टेंट करेक्टरिस्टिक्स ऑफ द मेटल्स क्लियर हम बात करते हैं नॉन मेटल की नॉन मेटल की अगर करक्टिस की बात करें तो दे डज नॉट कंटेन द मेटल इन देयर कंपोजिशन नॉन मेटल के अंदर कोई मेटल क्या होता है इनकी कंपोजिशन के अंदर नहीं होता है दूसरा दे आर लेस टेक्टाइल ये क्या होता है लेस टेक्टाइल होते हैं तीसरा दे आर प्योर कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी ये क्या होते हैं हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी के प्योर कंडक्टर होते हैं तो हम इस तरह से अगर हम देखें मेटल और नॉन मेटल को तो हम कंपेयर कर सकते हैं कि जो मेटल्स होते हैं वो क्या होते हैं गुड कंडक्टर होता है होता हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी के जबकि जो नॉन मेटल होते हैं वो क्या होते हैं पुअर कंडक्टर होते हैं ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी के तो ये बेसिक डिफरेंस है सेकेंड ये क्या होता है मेटल्स आर मोर डक्टाइल जबकि नॉन मेटल्स जो होते हैं वो क्या होते हैं आर लेस डक्टाइल होते हैं और मेटल्स के अंदर तो मेटल ही होता है मेन तभी वो हार्ड और हैवी होते हैं जबकि नॉन मेटल के अंदर क्या होता है कोई मेटल कंटेंट इनके कम्पोजिशन में नहीं होता है तो ये बेसिक डिफरेंस है मेटल और नॉन मेटल्स के अंदर इसी तरह अगर हम बात करें जो कि मेटल को हमने डिवाइड किया था कि दो तरह के होते हैं मेटल एक फ़ेरस और नॉन फेरस तो अगर हम फेरस जो फेरस टाइप का जो मेटल है इसकी अगर हम प्रॉपर्टी के बारे में डिस्कस करें तो हम देख सकते हैं कि फर्स्ट तो ऑल मेटेलिक मटेरियल हैविंग आयरन एज द मेन कॉन्स्टिट्यूंट आर नॉन एज फेरस मटेरियल तो जो फेरस टाइप के जितने भी मटेरियल होते हैं उनके अंदर जो मेन कॉन्स्टिट्यूट क्या होता है आयरन आयरन इज द मेन कॉन्स्टिट्यूट उनके अंदर जो आयरन होता है मेन कॉन्स्टिट्यूट होता है फेरस टाइप का जो भी मटेरियल होगा उसके अंदर आयरन क्या होगा मेन कॉन्स्टिट्यूट होगा सेकेंड अदर मटेरियल्स लाइक कार्बन मैगनीज फॉस्फोरस सल्फर एग्जिस्ट इन वेरियस प्रॉपर्टीज इन स्मॉल क्वांटिटी तो जो कुछ अमाउंट उसके अंदर फेरस के अंदर क्या होता है कार्बन होते हैं मैगनीज होते हैं फॉस्फोरस होते हैं सल्फर होते हैं कुछ अमाउंट इनका भी होता है बट मेनली क्या होता है जो कॉन्स्टिट्यूट होता है किसका होता है आयरन का होता है अब हम नॉन फेरस के बारे में बात करते हैं तो अगर हम नॉन फेरस के बारे में बात करें तो जो नॉन फेरस होते हैं वो क्या होते हैं अगर पढ़ें करेक्टरिस्टिक्स तो डोज मेटेलिक मटीरियल विच डू नॉट कंटेन द आयरन एज दर मेन कॉन्स्टिट्यूट आर नॉन एज द नॉन फेरस मटेरियल्स कहने का मतलब ये जो नॉन फेरस मटेरियल होते हैं इसके अंदर जो मेन कॉन्स्टिट्यूट क्या होता है आयरन नहीं होता जबकि अगर अपन फेरस के बारे में बात कर रहे थे तो हमने पाया था कि जो मेन कॉन्स्टिट्यूट होता है वो क्या होता है आयरन होता है जबकि जो नॉन फेरस जो टाइप का जो मटेरियल uh, होता है उसके अंदर जो आयरन होता है वो क्या होता है मेन कॉन्स्टिट्यूट नहीं होता है तो ये हमने क्या कर दिया मेटल्स के बारे में स्टडी कर लिया तो हमने बताया था मटेरियल दो टाइप के हैं एक मेटल्स और दूसरा नॉन मेटल्स तो अगर हम नॉन मेटल्स के बारे में ब्रीफ में अगर डिस्कस करें तो नॉन मेटल्स बेसिकली क्या होता है टू टाइप्स के होते हैं एक सेरेमिक दूसरा ऑर्गेनिक पॉलीमर एक तो क्या हो गया सैरेमिक और दूसरा क्या हो गया ऑर्गेनिक पॉलीमर तो जो सेरेमिक्स होते हैं ये बेसिकली क्या होते हैं ऑक्साइड्स होते हैं क्या होते हैं बेसिकली ऑक्साइड्स होते हैं जैसे इसके एग्जाम्पल बताएं अपन कंक्रीट है रिफ्रैक्टरीज है, है या सिलिकन कार्बाइड्स हैं जबकि अगर अपन ऑर्गेनिक पॉलीमर की बात करें तो ऑर्गेनिक पॉलीमर में जितने भी मटेरियल्स होते हैं वो, है? है. है, वो क्या होते हैं एक तरह से कार्बन कंपाउंड होते हैं जितने भी मटेरियल्स होते हैं वो क्या होते हैं कार्बन कंपाउंड होते हैं और इनका क्या होता है हाईली मॉलिकुलर वेट होता है इनका हाईली क्या होता है मोलिकुलर वेट होता है इनका मोलिकुलर वेट क्या होता है ज़्यादा होता है और इनका क्या होता है जो स्ट्रक्चर होता है वह कॉम्प्लेक्स थ्रीडी टाइप का होता है क्योंकि इनकी मोलिकुलर चेन क्या होती है बड़ी होती है तो लॉन्ग मोलिकुलर चेन की वजह से ही क्या होता है इनका जो थ्री स्ट्रक्चर क्या होता है वो कॉम्प्लेक्स होता है इसके एग्जाम्पल की बात करें अपन तो पीवीसी है जैसे पॉलीविनाइल क्लोराइड इसके क्या एग्जाम्पल है? है तो जो नॉन मेटल्स होते हैं वो बेसिकली क्या होता है टू टाइप्स के हो गए सैरेमिक एंड ऑर्गेनिक पॉलीमर्स तो हमको क्लियर होना चाहिए कि भाई सैरेमिक्स हैं तो इसका मतलब इसमें बेसिक ऑक्साइड्स होंगे एग्जाम्पल जैसे कंक्रीट रिफ्रेक्ट्री सिलिकन कार्बाइड्स बुरान कार्बाइड्स डिफरेंट डिफरेंट कार्बाइड्स इसके अंदर क्या हो जाएंगे सेनेमिक के अंदर आ जाएंगे जब पॉलीमर अगर ऑर्गेनिक पॉलीमर्स की बात करते हैं तो अपन को पता होना चाहिए इसमें जितने मटेरियल होते हैं वो कार्बन कंपाउंड्स हैं और और उनमें क्या होते हैं एक लॉन्ग मोलिकुलर चेन की वजह से क्या होती है एक थ्री डी स्ट्रक्चर इनकी कॉम्प्लेक्स हो जाती है और इनका वेट क्या हो है जब स्ट्रक्चर बड़ी हो जाएगी तो वेट भी क्या हो जाएगा इनका ज़्यादा हो जाएगा तो ये क्या होता है हाईली मॉलिकुलर वेट्स होते हैं एग्जाम्पल पता है थी अपने पी हो गए इसके अंदर और पॉलिथिन वगैरह भी इसके अंदर ही ये ऑर्गेनिक पौल, पॉलीमर के अंदर आता है तो इस तरह से हमने क्या किया जो इंजीनियरिंग मटेरियल्स है उसका ब्रॉडली अपन ने क्या किया क्लासिफाई किया तो हमने देखा कि जो इंजीनियरिंग मटेरियल्स है वो बेसिकली टू टाइप्स के होगा एक मेटल्स और दूसरा नॉन मेटल्स मेटल्स एंड नॉन मेटल्स तो हमने इस तरह से देखा कि जो इंजीनियरिंग मटेरियल बेसिकली टू टाइप्स के होगा मेटल्स एंड नॉन मेटल्स मेटल्स कितने तरह के हो गए दो तरह के हो गए फेरस और नॉन फेरस फेरस को आगे हमने क्या कर दिया और क्लासीफाई कर दिया कास्ट आयरन रोटर एन स्टील इसी तरह नॉन मेटल को हमने बता दिया दो टाइप के हो गए एक तो हो गया अपने पास में सैनमिक्स और दूसरा हो गया ऑर्गेनिक पॉलीमर्स। तो हमने इस तरह से क्या कर दिया एक ब्रीफ क्लासिफिकेशन कर दिया ऑफ इंजीनियरिंग मटेरियल का आगे हम देखेंगे कि कास्ट जैसे हमने बताया कि फेरस जो है वो तीन टाइप का है कास्टर है नोटर स्टील तो हम देखेंगे और फिर हमने बताया कि कास्टर जो तीन चार टाइप के हैं ग्रे कास्टर आयरन व्हाइट कास्टर आयरन मेलेबल कास्टर आयरन नोडुलर डक्टाइल टाइप तो हम देखेंगे कि किस तरह से इनका क्लासिफिकेशन किया गया है किस तरह से आयरन के अंदर अगर कार्बन की परसेंटेज डिफरेंट डिफरेंट होती है तो किस तरह से हमको ग्रे एंड व्हाइट कास्टर्न मेलेबल और रिडक्टर मेले टाइप से आते हैं इसी प्रकार से हमने स्टील की भी क्या किया क्लासिफाई किया गया लो कार्बन मीडियम कार्बन हाई कार्बन और लो स्टील तो इनको किस तरह से कार्बन की परसेंटेज अगर अपन डिफ्रेंशिएट करें तो स्टील की भी क्या होते जाएंगे डिफरेंट डिफरेंट क्लासिफिकेशन हो जाएगा तो हम आगे की जो से के जो चैप्टर्स हैं हमें पाएंगे कि डिफरेंट डिफरेंट कार्बन परसेंटेज के साथ साथ डिफरेंट डिफरेंट किस तरह से हमको कास्ट आयरन एन स्टील मिलते हैं और हम ये भी डिस्कस करेंगे कि जैसे जैसे इनमें कार्बन की परसेंटेज जैसे जैसे चेंज होती जाती है उस हिसाब से इनकी जो थर्मल प्रॉपर्टीज़ है इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज़ है मैकेनिकल प्रॉपर्टीज़ है वो किस तरह से चेंजेस होती है तो नेक्स्ट इन पर हम इनके डिफरेंट कार्बन परसेंटेज के रेफरेंस में इनका क्या क्या, क्या, क्या क्लासीफिकेशन है इसके बारे में स्टडी करेंगे और जो डिफरेंट प्रॉपर्टीज़ है आ, मेटल्स की उसके बारे में क्या करेंगे स्टडी करेंगे थैंक यू